फाइनली गाइस भाई हम वृंदावन में आके यहाँ पे स्टे ले चुके जो कि श्री श्याम धाम। तो ये काफी अंदर है भाई मेन मार्केट से, यहाँ पे चेक करो भाई पार्किंग है काफी सही है। स्टे के अंदर ही भाई दोनों गाड़ी पार्किंग कर रखी है, बट धूप में काफी गर्म हो गया होगा ना, बहुत ज्यादा गर्म है। तो अभी आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ कि कौन सा हमने रूम लिया है, देन अभी सीधा एक्सप्लोर करने के लिए लिख लेंगे यहाँ से। इसमें आपको रूम का कॉस्ट बता दूँ तो काफी ठीक ठाक पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा अंदर आपको पड़ेगा। ये अपने को रूम पड़ा है ओनली 800 में और रूम काफी अच्छा, मैं दिखाता हूँ जो। तो गाइस ये रहा अपना भाई रूम जो कि देखे हुए तो भाई काफी ठीक ठाक है। यहाँ पे कुछ दे भी रखा है, बालकनी बोलते ना इस टाइप का, और यहाँ से अपनी भाई पूरी पार्किंग दिख जाती है। अब बाहर है कुछ इस तरीके का व्यू, देखो नीचे अपनी वही गाड़ी खड़ी दोनों की जो कि विशाल भाई निकाल ले, और कुछ इस तरीके का अपने को रूम मिलता है। वॉशरूम मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है और अपना सारा सामान है, बैग वैग है। तो अभी निकल ले भाई एक्सप्लोर करने के लिए, और गाइज मेरे हिसाब से तो भाई 800 रुपये में काफ़ी अच्छा रूम अपने को मिल गया। तो चलो चलते हैं नीचे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर रुके ना तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं, एंड करते लाइट बंद और गेट भी लगा देते। A few inches later. गाइस एक्सप्लोर करने से पहले हम यहाँ पे लंच करते हैं, क्योंकि भाई दोपहर हो चुका है, 12 बज गए। गाइस हम लोगों ने दोपहर से भाई लंच नहीं किया, तो सबसे पहले गाइस लंच करते हैं देन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भाई वैष्णो ढाबा करके है, तो अंदर चलते हैं लंच करने के बाद गाइस एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। आ जाओ अच्छा। तो भाई यहाँ पे अपना लंच, और लंच में हमने मंगाया है 2 कढ़ाई पनीर जो कि फुल है, और यहाँ पे बनाया है बटर रोटी। मानसू भाई से पूछते हैं कि कहाँ एक्सप्लोर करवाने वाले, सबसे पहले कहाँ घूमने जाएंगे भाई? भाई केशी घाट जाएंगे सबसे। केशी घाट, तो चलो गाइस गाड़ी स्टार्ट करते हैं बताल को, एंड निकलते भाई यहाँ सीधा केसी घाट के लिए। हम केसी घाट पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, मतलब रिवर अच्छा खासा फ्लो कर रहा है, और फर्स्ट टाइम हमारा विजिट है। वैसे तो हिमांशु यहाँ पे आ रखा है, कितने बार आया हिमांशु भाई? साहब छठी सातवीं बार ये आया है, एक बार आया है विशाल 2019 में, और मैं तो फर्स्ट टाइम 2024 में, बट बहुत ही खूबसूरत, आपको दिखा दो। देखो अभी हम दोपहर में आए हैं क्योंकि भाई अभी मंदिर सारा का सारा क्लोज है, क्योंकि 12-4 क्लोज रहता है। That's why कि भाई जो जो चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी वो सारी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे पुराना स्ट्रक्चर, एंड इस साइड देखो भाई पूरा का पूरा केसी घाट फ्लो कर रहा, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, सिर्फ बता रहे 20-20 रुपये, बट हम देखेंगे भाई हमें करना नहीं करना क्योंकि बोटिंग में भाई अगर किसी को तैरना नहीं आता, तैरना आता किसी को भाई? हमें आता है अच्छा, लेकिन मैं 5 मिनट बाद डूब जाता हूँ। इनको देखो भाई 5 मिनट बाद डूब, ये 5 मिनट बाद डूबेगा, ये बंदा देखो सामान ले जाए। बोटिंग करने का तो बनता, बट भाई बता रहे इतना ज़्यादा गहरा ना है, ड्यू टू भाई इतना डीप है कि अब कि हमें से किसी को उतना तैरने नहीं आता, तो हमने भाई कैंसिल करते हैं कि इतना रिस्क नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा भाई गहरा है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे गाइस इतना प्यारा भाई यहाँ पे लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे भाई सॉन्ग के साथ, प्लस रिकॉर्डिंग है, आपने सिनेमेटिक देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। ऊपर से स्ट्रक्चर है ना, जय बहुत ही खूबसूरत है गाइस। गाइस निकलते निकलते भाई बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, लेट्स गो। तो गाइस अभी निधिवन तक का सफ़र भाई अपना पैदल यात्रा करके होगा, क्योंकि हमने पार्किंग पर लगा दी है जहाँ पे केसी घाट थे वहीं पर अपनी स्कूटी पार्किंग हमने लगा दी है, और पैदल पैदल भाई एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अपने निधिवन को जो कि मेरे सामने ही है। वहाँ पे देखो जस्ट गाइस सामने निधिवन का बोर्ड, तो चलते हैं गाइस। मतलब दोपहर में भाई इतनी रौनक है ना कि मजा आ जाएगा। ये देखो ये है निधिवन का बोर्ड, अब बाकी एंट्री देखेंगे कहाँ से, गली से। तो गाइस गली से अपने को भाई एंट्री लेना है, काफ़ी गाइस काफ़ी, मतलब बहुत ही प्यारा क्राउड हो रहा है यहाँ पे। और मैंने एक जगह पीछे भी देखा
और इससे पीछे भी मैंने देखा था भाई, मतलब अच्छी खासी शूटिंग चली यहाँ पे, कलर गुलाल काफ़ी ज़्यादा, होली का पूरा फेस्टिवल का माहौल है सब जगह। फर्स्ट गाइस ये अपना एंट्री गेट है भाई निधि वन का, देन इसके बाद बता रहे एक और एंट्री गेट पड़ता है, तो चलो एंटर करते हैं अंदर। गाइस पहुंच चुके हैं निधिवन में और यहाँ पे एक चीज दिखा रहे, बता रहे नीचे से जड़ सूखी पड़ी पेड़ों की, और जो ऊपर है ना पत्ते, जो पेड़ के पत्ते वो काफी हरे भरे हैं। तो कुछ हिमांशु भाई बता रहे भाई यहाँ की स्पेशलिटी, और भाई सच में काफी ज्यादा यहाँ पे अपने को अच्छा दर्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा खाली हो रहा है। देखो यह निधिवन, तो बट यहाँ पे कैमरा हम थोड़ा संभाल के रखेंगे। यहाँ से अभी स्टार्ट हुई है, हमें लग रहा था भाई बहुत खाली मिलेगा, बट यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला क्राउड है। देखो इधर मंदिर है, असली क्राउड कैसे यहाँ पे भाई पूरा इकट्ठा हुआ, देखो तक आ रहा है। इनसे थोड़ा सा डर है भाई, बंदर कहीं गोपुर में ले जाए, बट ठीक है भाई चलेगा इतना। फाइनली गाइस भाई अपना निधि वन को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, निधि वन था ना, तो कितने अभी तक हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, केसी घाट गए हैं, निधि वन बस है ना, हाँ। तो अभी तक गाइस हमने सिर्फ दो मंदिर एक्सप्लोर किए हैं, एक केसी घाट गए थे, एक निधि वन गए थे। अब यहाँ से देखते हैं कि अपना अगला भाई एक्सप्लोर कहाँ करने आते हैं, बट घूमे गाइस काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक था और बहुत ही अच्छा लगा घूम के। फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पर विजिट था निधि वन का। अभी गाइस आप लोगों को प्रेम मंदिर का भाई क्राउड दिखा, तो इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है, देखो सब वेट करेंगे भाई 4 बजे, एंड मंदिर जैसे ओपन होगा सारे बंद जाएंगे, ये चेक करो भाई बहुत ही तगड़ा गाइस क्राउड हो रहा है, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं भाई, ये देखो तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, बट हम वेट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा और शाम होगा ना, तो जो व्यू आता है काफ़ी अच्छा आता है, जब आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं आया था डे में, आया था डे में उतना हमने देख लिया, बट हमने नाइट वाला गाइस यहाँ का घुमा नहीं है, तो हम नाइट में एक्सप्लोर करेंगे प्रेम मंदिर को। अभी कहाँ जा रहे हैं, तो अभी गाइस हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी मंदिर, वहाँ जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, तो अभी से आगे लाइन लगाएंगे, जब जाके अपना नंबर आएगा। और वेदर तो गाइस एकदम से भाई चेंज हो गया, ऐसा लगा हमें छा हो गया, बट अभी थोड़ी थोड़ी एक दो बूंदे आई थी बारिश की, तो ये देखो वेदर भी भाई क्लाउडी हो गया पूरा बारिश वाला, तो कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि ऐसे मुझे पिछले बार का याद है, जब भी मैं आया था ना यहाँ पर प्रेम मंदिर, वहाँ पर भाई बारिश हो गई थी, भीड़ खाली हो गया, बट हमने दर्शन कर लिए थे, मुझे लग रहा है इस बार भी देखो भाई बारिश वारिश आ सकता है। फाइनली भाई अब जाके भाई 15-20 मिनट चलने के बाद आ चुके जहाँ से एंट्री है श्री बांके बिहारी धाम मंदिर की, भाई यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है बांके बिहारी मंदिर दर्शन का। काफ़ी ज़्यादा अंदर जाएंगे, अंदर जाके भाई पतली पतली गलियाँ स्टार्ट होती है, फिर जाके जो भव्य दर्शन होता है काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हमारा सेकंड टाइम होगा, मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, बट हाँ बहुत ही मज़ा आता, पिछली बार का याद है काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन हाँ भाई दर्शन गाइस बहुत ही अच्छे होते हैं, और यहाँ का सबसे वो है ना, सबसे बड़ा सबसे पहला मानते हैं यहाँ दर्शन करना चाहिए, हाँ सबसे पहले गाइस यहीं से दर्शन आप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ज़्यादा भीड़ होता ना, तो आप यहाँ पे पहले दर्शन कर लोगे ना तो फ्री हो जाओगे और आपको अच्छा लगेगा, तो चलते देखो यहाँ पे अलग ही क्राउड होता है भाई, अलग लेवल का, ये देख रहे हो बहुत ही भाई रौनक है यहाँ पे, इतना और कहीं मार्केट में नहीं था, बट इस वाले मार्केट में जहाँ दर्शन करने आओगे श्री बांके बिहारी मंदिर जी के, तो भाई बहुत यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड रहता है, तो सबसे पहले आप कोशिश करना कि यहाँ आके एक्सप्लोर करो, देन धीरे धीरे करते करते सब कुछ, और शाम को गाइस सबसे बढ़िया प्रेम मंदिर। दर्शन भाई श्री राधा वल्लभ जी महाराज के, जो कि भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जब भी हम आते हैं भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं बारिश गाइस स्टार्ट हो जाती है। राधे राधे, दर्शन कर ले, दर्शन दर्शन कर ले,
तो अभी गाइस एक और धाम को भाई एक्सप्लोर करने आया श्री राधा रमन जी का द्वार। बहुत ही सुंदर भाई सजा हुआ है चक्र। आप लोग बोल सकते हो भाई हम चार बजे से निकले पड़े यार बैक टू बैक मंदिर को भाई एक्सप्लोर कर रहे हो, चाहे वो श्री बांके बिहारी जी हो या फिर राधा वल्लभ जी हो। अभी हम जाए एक्सप्लोर करने आया है श्री राधा रमन जी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है भाई। कंटिन्यूसली गाइस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड सभी चीज़ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। पैदल चल के जा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ही क्राउड है गाइस। सामने दिखाओ दिखाओ, ये चेक करो भाई साहब, मतलब जहाँ भी जा रहे भाई साहब। हाँ यार भाई जहाँ भी आ रहे अलग लेवल का और नेक्स्ट एक तरीके और नेक्स्ट एक्सपीरियंस अपने को देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाइस। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं भाई और लगभग मान लो हम भाई एक घंटे से चले आ रहे क्योंकि राधा रमन टेम्पल से भाई वहाँ से आ रहे घंटे चले आ रहे और हमें आना गाइस प्रेम मंदिर क्योंकि 8 बजे क्लोज होता है और अभी भाई 8 बजने में सिर्फ बचा हुआ है 10 मिनट। तो हम गाइस भाग भाग के जा रहे हैं भाई दर्शन के लिए कि प्रेम मंदिर गाइस नाइट व्यू अपने को मिल जाए। नाइट व्यू मैंने नहीं देखा था, दिन में देख रखा, बट नाइट व्यू गाइस आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जब से भाई चले आ रहे हालत ख़राब है और गला भी थोड़ा सा बैठ गया, बट मज़ा आएगा, आप लोगों को दिखाऊंगा नाइट व्यू गाइस। देखते हैं एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको बाहर से जरूर दिखा दूंगा, नहीं भी मिलेगा। क्योंकि भाई हम बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ 5-10 मिनट बचा हुआ अपने पास। तो फाइनली गाइस भाई तो अंदर एंट्री मिल चुकी है, मतलब गेट पर भाई गोप्रो को अंदर आने ही नहीं दे रहे थे, बोल रहे गोप्रो अलाउड नहीं होता क्योंकि फ़ोन देखो फ़ोन यहाँ पर सारे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने भाई दूसरे गेट से गया, वहाँ से एंट्री ली एंड एंट्री मिल चुकी भाई, बट यहाँ से जो व्यू मिल रहा है गाइस बहुत ही खूबसूरत, आपको दिखाता हूँ। चलो रेडी हो गाइस, देखो ये चेक करो भाई नाइट व्यू गाइस कितना सही दिख रहा है भाई। प्रेम मंदिर का पूरा ग्रीन प्लस वाइट हो रहा है और यहाँ पर देखो भाई सारे बंदे लगभग सारे यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर भाई गोप्रो रोक दिया था, बट ठीक है हमने गाइस वहाँ पे एंट्री गेट चेंज किया, देन दूसरा बंदा हमें अलाउ कर दिया। तो
The next day. अभी प्लान है गाइस निकलने का सीधा यहाँ से गोवर्धन, जो कि काफ़ी यहाँ से दूर है और यहाँ से 30 से 40 मिनट लगने वाले। तो टाइम हो रहा है 10:33, तो 10:30 बज रहे हैं और अभी निकलेंगे तो मान लो अभी थोड़ा सा खाने पीने का भी प्लान कर रहे हैं, तो 11:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे, देन परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मेरे को लग रहा है 2-3 बज जाएंगे वापस आते आते होटल। तो इनका नंबर ले लेते हैं भाई, यहाँ पे कॉल करेंगे, आके काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे पता, तो कहीं ना कहीं यहाँ की एंट्री बंद होगी, कॉल करके भैया को उठा देंगे। देन गाइज और भी बहुत सारे प्लान है, बस आप लोग व्लॉग पे बने रहो और इन्जॉय करो भाई, यहाँ दिन रात कुछ भी नहीं भाई घूमने आए। तो गाइज अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊँगा आपको, बेताल के साथ हम भी घूमेंगे। गोवर्धन तक का भाई जो रास्ता है ना गाइज, काफ़ी ज़्यादा भाई मेरे को लग रहा है बिल्कुल खाली है और जंगलों से होके जा रहा है, तो ठंड भाई नक्स्ट लेवल का लगेगा, इसलिए मैंने ये पहन लिया ऊपर से जैकेट, काम आएगा भाई। यहाँ पे तो गाइस वृंदावन की गलियों में कोई कोई नहीं है, जहाँ पे हमारा होटल थोड़ा अंदर है, इसलिए अपने को भाई होटल पड़ा था 800 रुपये का, यहाँ से 5 मिनट लगेगा मेन मार्केट में जाने को वृंदावन वाले में, बट हम कर लेंगे गाइस, मैनेज कर लेंगे, रास्ता तो अब याद हो गया। चलो लेट्स गो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। अभी आते वक्त पता क्या हुआ भाई, हम इस वाले स्पीड ब्रेकर पे ना ये जो आया था भाई ध्यान ही नहीं आया था हमने भाई, गाड़ी बिल्कुल हवा में कर दिया था, तो अब आराम से निकालेंगे ना। एक तो यार जो मेरा फॉग लाइट है ना वो खराब हो गया ना, शॉर्ट हो गया, उसके चक्कर में मेरा फ्यूज उड़ा था, फ्यूज चेंज किया तो भाई वो तो ठीक हो गया, बट इसके चक्कर में ना अपना जो फॉग लाइट था यार पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया, उस वजह से गाइज अपने को जो फॉग लाइट है सारे के सारे हटाने पड़ गए, अब नया फॉग लाइट लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसके वजह से ना लाइटिंग का थोड़ा दिक्कत होता है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस, हम पहुंच चुके भाई मेन मार्केट पे, तो यहाँ पे हम सोच रहे भाई जल्दी जल्दी खा के निकलते क्योंकि लेट हो जाएगा, तो फास्ट फूड ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे रोल्स है, मोमोज है, फ्रेंच फ्राई है और वहाँ पे पराठे भी है। लेट होते जा रहा है 10:41 गाइस, देखो गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो भाई पहुँचने में ना बहुत टाइम लगने वाला है, तो जस्ट गाइस कोई सा भी फास्ट फूड खाते हैं देन यहाँ से निकलेंगे सीधा। फ्राइड राइस और मंगाए रोल्स, इसको भी भाई निपटाते हैं भाई, पैदल पे लगा दिया, देखो मैं पैदल दिखा रहा है यहाँ पे 5:25 भाई हम जाएंगे, लेकिन बाइक से आधा घंटा दिखा रहा है 28 किलोमीटर गाइस, देख रहे हो, तो लेट्स गो गाइस। फाइनली मैप लगा लिया यहाँ पे, 36 मिनट दिखा रहा है और 28 किलोमीटर, देखते भाई कब तक पहुँचते, और टाइम हो चुका भाई यहाँ पे 10:57।